कप की कहानी हम आपको पूरी अभी बताते हैं चाय पीते पीते। आज की जर्नी हम लोगों की होने वाली है इंडियन रेलवे की सबसे स्लोएस्ट वंदे भारत एक्सप्रेस में, जिसका ट्रेन नंबर है 20641 बैंगलोर कोयम्बतूर वंदे भारत एक्सप्रेस, जो कि कर्नाटका के बैंगलोर को तमिलनाडु के कोयम्बतूर से कनेक्ट करती है। और ये ट्रेन अपनी जर्नी के दौरान 374 किलोमीटर कवर करती है 6 घंटे 25 मिनट के समय में, और पूरी जर्नी के दौरान जो एवरेज स्पीड रहती है वो रहती है मात्र 58 किलोमीटर पर आवर की। और आज इस बैंगलोर कोयम्बतूर वंदे भारत एक्सप्रेस में हम लोग ट्रैवल करने वाले हैं। सो हाय गाइस, दिस इज हिमांशु और आप देखना शुरू कर चुके हैं HY व्लॉग्स। अभी हम आ चुके हैं बैंगलोर कैंट रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1B पर, और अपनी वंदे भारत एक्सप्रेस ऑलरेडी यहां पर लगी हुई है। और आज इस ट्रेन के हम लोग AC चेयर कार कोच पर ट्रैवल करने वाले हैं। कोच है अपना C1 एकदम आगे वाला। अपने निर्धारित समय से लगभग 5 मिनट की देरी से हम लोगों का डिपार्चर हो गया है बैंगलोर कैंट रेलवे स्टेशन से। अपनी वंदे भारत एक्सप्रेस निकल चुकी है बैंगलोर कैंट रेलवे स्टेशन से। अब आपको इस वंदे भारत एक्सप्रेस का शेड्यूल एंड टाइमिंग्स बता देते हैं। तो हफ्ते में 6 दिन चलती है एक्सेप्ट थर्सडे। दोपहर में 2:20 पर निकलती है बैंगलोर कैंट रेलवे स्टेशन से और रात में 8:45 पर पहुंचा देती है कोयम्बतूर जंक्शन। तो प्रीमियम ट्रेन्स की परंपरा के हिसाब से ट्रेन के जस्ट डिपार्चर के बाद हम लोगों को आधे लीटर की वाटर बॉटल अभी सर्व कर दी गई है। तो जर्नी अपनी स्टार्ट हो चुकी है कोयम्बतूर वंदे भारत एक्सप्रेस में। बाकी अभी सर्विसेज खाने पीने की तो स्टार्ट होंगी, शाम की इवनिंग स्नैक्स वगैरह आएंगे। उससे पहले हम आपको सीट बता देते हैं। तो आज की अपनी सीट है विंडो साइड, सीट नंबर है 35। तो ये देख लो अपना कोच C1, और इस प्रकार की सीट है अपनी। 3x2 का सिटिंग अरेंजमेंट है, ब्लू कलर की सीट्स हैं, ऊपर में लगेज स्पेस है, यहाँ पर रीडिंग लाइट्स हैं, सब चीज़ें वर्किंग है। सीट अपनी 35 है, 3 वाली विंडो साइड, और यहाँ पर स्नैक्स ट्रे। अभी जस्ट ट्रेन चली है, टाइम देख लो 2:42 हो रहा है, और हम लोगों को यहाँ पर चाय और बिस्कुट सर्व कर दिया गया है। कॉफ़ी भी ले सकते हो आप, इंस्टेंट प्रीमिक्स है ये, और ये तो एकदम नई कंपनी का है। अभी तक ये वाली चाय ट्राई नहीं की है, और कंपनीज की हो गई है बहुत सारे, बट ये वाला अभी नया है सोसाइटी डेली, और ये मसाला फ्लेवर मिला है साथ में यूनिबिक की कुकीज़। वैसे इस टाइम पे हम पहली बार देख रहे हैं किसी प्रीमियम ट्रेन में चाय वगैरह सर्व की जा रही है। वैसे शाम के टाइम इवनिंग स्नैक्स के संग जो है चाय होती सर, बट अभी ये अलग से, जैसे एक मॉर्निंग टी होती है ना सर, बिल्कुल वैसे ही सर्व की जा रही है इस वंदे भारत में ये। क्योंकि जब हमने बुकिंग की थी ना, उसके बाद भी हमारे पास मैसेज आया था कि भाई ये अपना डिनर रहेगा, इवनिंग स्नैक्स रहेगा और टी एंड बिस्किट्स अलग से रहेगा। तो ये मतलब एक मील एक्स्ट्रा हो गई इस वंदे भारत में, और इवनिंग स्नैक्स तो बाद में आएगा वो अलग है, ये अलग ही सर्व किया जा रहा है। तो वो भी दोपहर के टाइम, अभी 2:40 ही हो रहा है ये सर्व हो गई। चलो चाय पीते हैं अभी, वैसे भी लंच वगैरह तो करा ही था हमने बैंगलोर में, हम निकले हैं खा पी के। तो चलो सही है, इस टाइम चाय पियेंगे उसके बाद देखेंगे इवनिंग स्नैक्स में क्या रहता है। ये लो अभी अपना गर्मा गर्म पानी भी आ गया है, और ये कप देख रहे हो ना, ये वंदे भारत वालों ने नहीं दिया, ये रेलवे ने नहीं दिया, ये हमारा खुद का कप है, इसी में लिया है पानी। चलो चाय वाय मिक्स करते हैं, इस कप की कहानी हम आपको पूरी अभी बताते हैं चाय पीते पीते। तो अपनी इंस्टेंट प्रीमिक्स चाय हो गई है रेडी, मसाला फ्लेवर है, टेस्ट करते हैं इस कंपनी का कैसा है। सही है, थोड़ा डिफरेंट टेस्ट है, और सही है टेस्ट तो उतना बेस्ट नहीं है, मतलब अपना जो जिंजर वाला रहता है ना वो तो सबसे बेस्ट होता है, ज़्यादातर हम सोचते हैं जिंजर वाला ही मिल जाए, कहीं कहीं नहीं मिलता, कोई नहीं, ये भी सही है। कड़क तो है, और ये जो कप की कहानी है ना अब हम बताते हैं। देखो हमारा क्या है कि बैक टू बैक ट्रैवल करते हैं, चाय भी पीना पसंद है, रोज़ चाय पीनी ही पीनी है। और अपने जो नॉर्मली पेपर कप्स होते हैं ना, वो बाहर से तो पेपर होता है बट उसके अंदर प्लास्टिक रहता है, पन्नी रहती है। आप कभी नोटिस करना होगा कि भाई पेपर कैसे झेल सकता है इतना, मतलब पानी या चाय वगैरह नहीं झेल पाएगा ना, उसके अंदर प्लास्टिक रहती है, और वो माइक्रो प्लास्टिक पार्टिकल्स हर बार जब भी आप चाय पीते हो अराउंड 25,000 के आसपास आपके पेट में चले जाते हैं, वो कितना ज़्यादा नुकसान कर सकते हैं ये समझो। कि एक तो ऐसा नहीं है ना, एक दो दिन का हमारा तो चलो ठीक है, डेली ट्रैवल करना, आए दिन ट्रैवल ही करना और चाय भी पीनी, इसलिए हमने सोचा चलो ये वाला एक कप परचेस कर लेते हैं। 200 ml का कप है, वैसे नॉर्मली जो रेलवे में रहता है वो शायद 150 ml के आसपास रहता है, तो ये 200 ml का कप है,
बढ़िया है, ये अपना लेके चलते हैं अब हम साथ में। इसी में चाय पिया, धोया, रख लिया और फिर इसमें चाय पी लिया। इस कप का एक और फ़ायदा ये है कि इसके संग ऐसा आता है ढक्कन, इस पर लगा दिया और हमारी चाय कुछ देर तक एकदम गर्म बनी रहेगी। हम 10-15 मिनट बाद ही पियेंगे तो अभी गर्म बनी रहेगी, तो ये एक बढ़िया चीज़ हो जाती है। अब पेपर कप में तो क्या है, बहुत जल्दी चाय हाल गया 2 मिनट में ही ठंडी हो जाती है, लेकिन इसमें गर्म रहेगी बढ़िया। रख के चले जाए, वीडियो शूट कर लें और फिर आके वापस से चाय पी लें। पचपन किलोमीटर का सफर तय करके अपने निर्धारित समय से 12 मिनट की देरी से आ चुके हैं। अभी हम लोग अपने पहले स्टॉप पे तमिलनाडु के होसुर रेलवे स्टेशन। होसुर की बात करें तो अपने इंडस्ट्रीज के लिए जाना जाता है, यहाँ पर आपको मेजर इंडस्ट्रीज देखने को मिल जाएगी। इस रेलवे स्टेशन की बात करें तो इसको ऑपरेट करता है साउथ वेस्टर्न रेलवे, आता है इंडर बैंगलोर रेलवे डिवीजन, और अपनी वंदे भारत एक्सप्रेस का यहाँ पर मात्र 2 ही मिनट का स्टॉप है। हेलो भाई साहब, ऑटोमेटिक डोर हो गए बंद, मात्र 2 ही मिनट का होल्ड था यहाँ पर। यहाँ से निकलने की अभी देखो दोपहर का 3:31 हो रहा है, होसुर रेलवे स्टेशन हम लोग निकले हैं और इवनिंग स्नैक्स यहाँ पर सर्व होना स्टार्ट हो गया है अपनी वंदे भारत एक्सप्रेस में। मतलब 3:30 से ही बहुत जल्दी जल्दी सब चीज़ चलनी है भाई इस ट्रेन में। सो गाइस, आपने कभी भी फ्यूचर प्रेडिक्शन के बारे में सोचा है? बट अब ये आसान है क्योंकि अमन और उसकी टीम ने एक एविएटर सॉफ्टवेयर डेवलप किया है, इन्वेंट किया है, जो कि फ्यूचर प्रेडिक्ट कर सकता है। हमने भी इस सॉफ्टवेयर के रिजल्ट्स को पर्सनली एक्सपीरियंस किया है, लेट मी शो यू। ये प्रोग्राम फ्यूचर प्रेडिक्ट कर सकता है फॉर द 6 राउंड। अभी हम बेट लगाते हैं 1000 रुपए से और यहाँ पर जो क्रैश प्रेडिक्शन है वो है 4.84 एंड यस, यहाँ पर देखो हमें प्रॉफिट भी हो गया है 4,840 रुपये का। तो यहाँ पर आपने देखा प्लेन क्रैश का प्रेडिक्शन था वो एकदम सही था। चलो एक बार और खेलते हैं और यहाँ पर हम फिर से एक बार 1000 रुपये की बैट लगाते हैं और इस बार जो सॉफ्टवेयर का प्रेडिक्शन है वो है 3.09। यहाँ पर जीतने और हारने के दोनों के ही चांसेस हैं, थोड़ा रिस्की भी है, लेट्स सी क्या होता है। एंड यस आई हैव वॉन भाई, जो प्लेन था ना वो परफेक्टली 3.09 पर ही स्टॉप हो गया, तो ये प्रेडिक्शन भी एकदम परफेक्ट रही। यहाँ पर हमने 2000 रुपये से स्टार्ट किया था और अभी हमारे पास है 8000 रुपये, जिसको अभी हमने जस्ट विड्रॉ भी कर लिया है। अगर आपको भी इस सॉफ्टवेयर का लिंक चाहिए तो हमने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है अमन के टेलीग्राम चैनल का लिंक, तो वहां पर आपको जाकर मैसेज करना है डेट यू आर केम फ्रॉम H5 Vlogs चैनल और उसके टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब करना है और आपको ये सॉफ्टवेयर एकदम फ्री मिल जाएगा। तो ये लो अपने इवनिंग स्नैक्स की प्लेट आ गई है। इवनिंग स्नैक्स में एक तो चाय कॉफ़ी ये हटा देते हैं, बाकी कैरमल पॉपकॉर्न है, एक हल्दीराम का नवरत्न नमकीन और पीनट चिक्की और एक ये अपना एप्पल जूस और वैसे समोसा भी था सभी पैसेंजर को, मतलब काफ़ी पैसेंजर्स को दिया गया समोसा। समोसा ख़त्म हो गया तो अभी हमको ला के दे दिया है ये वनीला मफिन समोसे की जगह, बाकी समोसा भी था इसकी जगह, तो आपको ये नहीं मिलेगा, समोसा मिल जाएगा बट आज शॉर्ट पड़ गया, समोसा है ही नहीं। तो क्या है कि अभी बैंगलोर से निकले हैं ना, तो लंच कर लिया था बढ़िया, एकदम पेट भरा हुआ है, तो अभी समोसा वगैरह कुछ खाने की वैसे भी इच्छा नहीं है, समोसा कैसे शॉर्ट पड़ गया नहीं दिया उन्होंने, लक्ष्य मफिन ला के दे दी, चलो ठीक है, अभी बिल्कुल भी पेट में जगह ही नहीं है ट्राई करना। अभी मतलब ये था कि फिर ट्राई करते हो फिर छोड़ना पड़ता, अच्छा हुआ बर्बाद नहीं हो, तो समोसा मिल जाएगा आपको, मफिन वफिन नहीं है तो बैग में डाल लेंगे बाद में खा लेंगे कभी भी, सही है। बाकी अभी नज़ारे जो हैं सही चल रहे हैं, मतलब ये छोटा सा मतलब नहीं कैसा घाट सेक्शन है, इतना ज़्यादा तो ऐसे मतलब पहाड़ वगैरह इधर नहीं है, लेकिन ऐसा कर्व कर्व वाला पूरा रूट है ये और सिंगल इलेक्ट्रिक लाइन है। अभी ये जो रूट पे हम लोग चल रहे हैं ना, ये सिंगल इलेक्ट्रिक लाइन है और बहुत स्लो स्लो चल रही है वंदे भारत, मतलब अभी 60, 65, 50 ऐसी स्पीड मेंटेन है, ज़्यादा स्पीड पर चल ही नहीं रही, देख रहे हो अभी भी एकदम स्लो स्लो चल रही है, इसीलिए तो भाई साहब ये इंडियन रेलवेज़ की स्लोएस्ट वंदे भारत है, इसकी एवरेज स्पीड सबसे कम है, मतलब
बाकी वंदे भारत के मतलब किसी किसी की है 65 के आसपास तक, लेकिन इसकी सबसे कम है 58 किलोमीटर पर आवर की, इसलिए स्लो है भाई, चलती है ऐसे आराम आराम से ही है भाई। एक सौ 47 किलोमीटर का सफर तय करने के बाद अभी हम लोग पहुंच चुके हैं धर्मापुरी रेलवे स्टेशन, जो कि तमिलनाडु के धर्मापुरी डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, और धर्मापुरी अपने मैंगो प्रोडक्शन और यहां पर फाइनेस्ट ग्रेनाइट के लिए जाना जाता है। यहां पर भी अपनी वंदे भारत एक्सप्रेस का मात्र 2 मिनट का हॉल्ट है, इसलिए हम उतरे ही नहीं, पिछले स्टॉप पर उतरे थे तो क्या हुआ, वीडियो शूट कर रहे थे उतने में गेट बंद हो गया, ये बाहर नहीं रह पाए, अंदर आ गए और जब मतलब कूदे एकदम अंदर को वो गेट लॉक हो गया, हाल क्या दिखाया भी था क्या मतलब है, 2 मिनट के लिए उतरो, उसका ट्रेन वैसे ही लेट चल रही है, 1 मिनट एक्स्ट्रा रुकना नहीं है, कोई फ़ायदा है नहीं है, बाहर रह जाओ, इसलिए ऑटोमेटिक डोर्स किसी भी ट्रेन में वही रिस्क लेने की ज़रूरत ही नहीं, आराम से अंदर ही रहने का वही ठीक है। ये लो मात्र 2 मिनट का हॉल्ट था, हम लोगों का डिपार्चर हो गया यहाँ से, बाकी सामने देखो मालगाड़ियाँ खड़ी हुई हैं और यहाँ से सीमेंट वगैरह उतरता है, ये अल्ट्राटेक की सीमेंट की बोरियाँ उतरी हुई हैं, ट्रक में पूरी लोड हो गई हैं, यहाँ पर लोडिंग वगैरह काम चलता है ट्रेनों का, और भी ट्रक सभी लाइन में खड़े हुए हैं सीमेंट उतरवाने के लिए। अभी अपनी वंदे भारत एक्सप्रेस को करुवली नाम से एक छोटे से रेलवे स्टेशन पर रोक के रखा हुआ था, क्योंकि कराईकल बेंगलोर एक्सप्रेस की क्रॉसिंग करानी थी, सिंगल इलेक्ट्रिक लाइन जो सेक्शन है जैसे कि हमने पहले ही बताया था, इस चक्कर में अभी ये आ गई है, अपन को सिग्नल मिलेगा यहाँ से निकलने के लिए। वैसे अपनी ट्रेन का इस रेलवे स्टेशन पे ऑफिशियल हॉल्ट नहीं है, सीधा हॉल्ट है सेलम जंक्शन पे, लेकिन इसके चक्कर में रोक के रखा हुआ था।
214 किलोमीटर का सफर तय करके अपने निर्धारित समय से 15 मिनट की देरी से पहुंच चुके हैं सेलम जंक्शन रेलवे स्टेशन। सेलम की बात करें तो ये अपने स्टील के लिए जाना जाता है, काफी फेमस है यहाँ की स्टील वगैरह, जिससे काफी प्रोडक्ट्स भी मैन्युफैक्चर यहाँ पर किए जाते हैं। बात करें सेलम जंक्शन की तो यहाँ पर काफी लाइन आकर मिलती है, एक तो जिससे हम लोग आ रहे हैं बैंगलोर सेलम लाइन, एक सेलम से कारूर के लिए लाइन अलग चली जाती है, और एक जोलरपेटाई शोरनूर सेक्शन भी यहाँ आकर मिलता है। वंदे भारत एक्सप्रेस का अपनी यहाँ पर मात्र 3 मिनट का हॉल्ट है, और रात में जो भी डिनर वगैरह सर्व किया जाएगा ना, वो भी यहीं से सेलम जंक्शन से अपनी वंदे भारत में बोर्ड किया जाएगा। ये लो भाई साहब, एकदम ग्रीन सिग्नल हो गया है, हम लोग तैयार हैं सेलम जंक्शन से निकलने के लिए। डिपार्चर हो गया हम लोगों का सेलम जंक्शन से। बाकी ये देखो भाई साहब, सेलम जंक्शन के प्लेटफॉर्म पे यहाँ पर एक्वेरियम रखा हुआ है। अभी देखो शाम का बज रहा है 6:38, और अपनी ट्रेन में अभी डिनर की तैयारी चल रही है, प्लेटें वगैरह लगाना स्टार्ट हो गई है, कुछ ही देर में डिनर भी सर्व किया जाएगा। हमने बताया था ना, सेलम जंक्शन से ही बोर्ड हुआ था, गरम करके वो फटाफट यहाँ पर प्लेट लगाई जा रही है। अपने शेड्यूल टाइम से 20 मिनट की देरी से पहुंच चुके हैं अभी हम लोग इरोड जंक्शन रेलवे स्टेशन। बात करें इरोड की तो ये अपने टर्मरिक कल्टीवेशन एंड टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए जाना जाता है। ऐसे यहाँ पर अपनी ट्रेन को 3 मिनट का हॉल्ट दिया हुआ है, इसलिए बाहर आके आराम से शूट कर सकते हैं वीडियो। बाकी अभी डिनर वगैरह सर्व कर दिया गया है, मतलब जिन लोगों को इरोड तक भी आना था ना, उन लोगों को भी डिनर सर्व किया गया है इस ट्रेन में। तो अगर आप इरोड तक ट्रैवल करोगे तो डिनर मिल जाएगा। वैसे वेज नॉन वेज और जैन थाली का ऑप्शन था, जैन थाली में हमने इनसे पूछा तो उनको क्लियरिटी नहीं थी कि सब्जी वगैरह गया है, हमने छोड़ो रिस्क क्या लेने का, तो अभी वेज का ही बोल दिया था। अभी खाना वाना गर्म हो रहा है अपना, हमने सोचा चलो इरोड निकल जाए उसके बाद ही डिनर किया जाएगा। देखते हैं भाई साउथ इंडिया की प्रीमियम वंदे भारत ट्रेन में कैसा क्या डिनर हम लोगों को सर्व किया जाएगा। इरोड जंक्शन से तो हो गया है अपनी ट्रेन का डिपार्चर, चलो चलते हैं अंदर और डिनर करते हैं फटाफट। तो ये अपना डिनर आ गया है, डिनर में भाई हमने जैसे कि बताया था वेज मीन मंगाया है, चावल है, एक पनीर की सब्जी है, दाल मिक्स वेज, रोटी और एक दही, ये अपनी ओवरऑल वेज मील। चलो फटाफट सारी चीज़ें टेस्ट कर ली जाएँ। सबसे पहले करते हैं अपनी पनीर की सब्जी टेस्ट, कुछ अलग ही देखने में तो वाइट टेस्टी लग रही है। सही है, अपने नॉर्थ की साइड में जो पनीर रहता है उससे थोड़ा सा डिफरेंट टेस्ट है, हल्का सा खट्टापन है, वो चीज़ अच्छी नहीं लग रही हमें। बाकी टेस्ट तो अच्छा है, बट वो हल्का सा खट्टापन जो आ रहा है वो सही नहीं है। मिक्स वेज एकदम जबरदस्त है, इसमें कड़ी पत्ता वगैरह डाला हुआ है, अलग ही स्वाद आ रहा है, साउथ इंडियन टच है इसमें पूरा। देखते हैं अपनी दाल फ्राई, दाल फ्राई का टेस्ट भी अच्छा है, इसमें भी कड़ी पत्ता वगैरह डला हुआ है, तो पूरा सांभर जैसा जो टेस्ट होता है ना वो आ रहा है दाल में। बस ये पनीर की सब्जी मतलब सही है, देखने में भी सही लग रही है और टेस्ट भी सही है, बस वो थोड़ा खट्टापन जो है ना उसमें मज़ा नहीं आया। तो डिनर तो अपना हो गया, हैंड वॉश करने आए थे अभी वॉशरूम में, तो सोचा चलो आपको वॉशरूम भी दिखा देते हैं। तो साफ सफाई मेंटेनेंस बढ़िया है वॉशरूम की, काफ़ी बड़ा सा तो यहाँ पर बेसिन है, हैंड वॉश वगैरह सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, तो वॉशरूम की साफ सफाई बढ़िया है भाई। अपने शेड्यूल टाइम से लगभग 6 मिनट पहले हम लोग पहुंच चुके हैं आज की अपनी डेस्टिनेशन, अपनी वंदे भारत एक्सप्रेस की डेस्टिनेशन कोयम्बतूर जंक्शन रेलवे स्टेशन। ओवरऑल जर्नी एक्सपीरियंस सही रहा इस ट्रेन का, खाना पीना भी ठीक ठाक था और साफ सफाई मेंटेनेंस बढ़िया थी। बाकी वही है कि टाइम बहुत ज़्यादा दिया हुआ,
मात्र 58 किलोमीटर पर आवर की एवरेज स्पीड। हम लोग वंदे भारत जैसी प्रीमियम ट्रेन से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। इतना फेयर पे करने के बाद भी अगर एवरेज स्पीड इतनी कम हो और इतना टाइम ड्यूरेशन हो जर्नी का, तो वो चीज़ थोड़ा सा सही नहीं लगती है ना। वंदे भारत जैसी ट्रेन्स को तो और जल्दी उतारना चाहिए। इनकी स्पीड मतलब एवरेज स्पीड तो हमारे ख्याल से 90 से 100 के बीच होनी चाहिए मिनिमम, क्योंकि भाई पैसेंजर नॉर्मल ट्रेन से ज़्यादा भी तो फेयर पे कर रहा है, और जब स्पीड एवरेज स्पीड बढ़ेगी तभी तो टाइम ड्यूरेशन सारी चीज़ें अच्छी रहेंगी और जर्नी एक्सपीरियंस और बेटर होगा। बाकी आप लोगों की इस चीज़ के ऊपर क्या राय है कमेंट जरूर बताना। मिलते हैं बहुत जल्दी एक और जर्नी एक और ब्लॉग में, तब तक टाटा बाय बाय। वीडियो एंड करने से पहले इस वंदे भारत एक्सप्रेस का हम आपको फेयर और बता देते हैं। अगर एसी चेयर कार में आप ट्रैवल करोगे तो 1175 रुपये फेयर है, और एग्जीक्यूटिव पे ट्रैवल करोगे तो लगभग 2100 आपको पे करना होगा बेंगलोर से कोयम्बतूर के सफर में, जिसमें आपका खाना पीना भी इसी फेयर में इंक्लूड रहेगा।